हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप सब जन ठीक होंगे. फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर और उनके पेरेंट्स के बीच में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है उन लोगों की, वो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ. फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, तो चैनल को बूस्ट मिलेगा. सो एस ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है, तो एस ऑफ वैंस एक बोल सकते हो कि एक नई शुरुआत होने का, जो बोलते हैं ना, डिवाइन खुद ही शुरुआत करना चाहते हैं एक्चुअली आपकी लाइफ में. उनके पेरेंट्स के उनके बीच में एक नई शुरुआत डेफिनेटली मुझे होते हुए दिख रही है. जो भी उन्होंने मेहनत की आपके पर्सन ने आपके लिए या अपने खुद के रिश्ते के लिए, तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव आउटकम इसमें आते हुए दिख रहा है. एक पॉजिटिव दिशा दिखती हुई दिख रही है कि बहुत पॉजिटिव लग रहा है ये कार्ड बेसिकली, क्योंकि ये आपके पर्सन के उनके पेरेंट्स के बीच में इतने ज़्यादा झगड़े, इतने मतलब इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना, बहुत ज़्यादा हो हुआ है मुझे लग रहा है. अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा होगा तो भी रूल आउट नहीं कर सकते, अभी भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ ऐसे लग रहा है. क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको ऐसे लग रहा है कि है ना, आपके पर्सन को कि उनको बहुत धोखा मिला है, आपके उनके पेरेंट्स को लग रहा है कि उनको धोखे मिले. तो ये सब चीज़ें, जो एंडिंग्स है, टेन हाउस हाउस कभी भी एंडिंग का कार्ड होता है, तो ये काफ़ी चीज़ मुझे सिचुएशंस एंड होते हुए दिख रही है. उनके पेरेंट्स भी बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं अपने बच्चे के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि बहुत इमोशंस वाली एनर्जी में है उनके पेरेंट्स. और वो दोनों जो आपके पर्सन भी है ना, बहुत इमोशनल है, और उनके पेरेंट्स भी बहुत इमोशनल है. एक्चुअली आपकी डेस्टिनी में ही लिखा था उनके पेरेंट्स को, आपकी ऐसे बोल सकते हो कि डेस्टिनी में ये सब चीज़ लिखा था, नहीं चाहते हुए भी हुआ, मुझे ऐसे लग रहा है. अभी उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फियर्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि नाइन ऑफ सॉर्ड्स, उनको लग रहा है कि उनका बच्चा हमेशा के लिए उनके हाथ से नहीं निकल जाए, या हमेशा से उनके लिए दूर नहीं हो जाए. तो रात रात उनको शायद नींद भी नहीं आ रही होगी, तो रूल आउट नहीं कर सक रहे. तो उन्होंने एक डिसीजन तो उन्होंने लिया है कि उनके पर्सन ने, आपके पर्सन ने लिया है कि उनके पेरेंट्स ने, क्यों उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन है जो डिसीजन से हिलने वाला नहीं है. ये बहुत ठान लिया है कि ये पर्सन इसे आपसे ही शादी करेगा या आपसे ही कमिटमेंट करेगा. तो लेकिन थोड़े उनके पेरेंट्स थोड़े अपसेट है इस चीज़ की वजह से, और आपके पर्सन भी थोड़े अपसेट है. ऐसे नहीं कि दोनों के एक जन खुश है और दूसरे अपसेट, ऐसा नहीं है. उनके आपके पर्सन भी बहुत अपसेट है, उनके भी रातों को नींद नहीं आ रही है, और उनके पेरेंट्स भी अपसेट है, क्योंकि उनकी डेस्टिनी भी बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि ये सब चीज़ लिखा था, नहीं चाहते हुए भी कभी कभी क्या सिचुएशंस ऐसी हो जाती है पेरेंट्स लोग के और बच्चे लोगों के बीच में, इस तरह का माहौल बन जाता है, क्योंकि समझ नहीं नहीं आता है कि वो शायद आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो आपको समझ नहीं पा रहे, इसकी वजह से ये सब चर्चा ज़्यादा हो रहा है ऐसे बोल सकते हो. इसमें देखिए एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि है ना, हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि ये ना, ये आपका सपना कब पूरा होगा, कि एम्प्रेंस का कार्ड आ रहा है. तो मुझे लग रहा है कि आपका एनर्जी ज़्यादा लग रहा है कि डे ड्रीमिंग की एनर्जी मुझे आ रही है. देखो वापस से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का दो बार आ रहा है, कन्फर्मेशन आ रहा है कि दोनों जन एक्चुअली आपकी डेस्टिनी में लिखा था, ये इतना स्ट्रगल बोल सकते हो या इतनी फाइट उनके पेरेंट्स से उनकी लिखी थी, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है उनके, मुझे लग रहा है कि है ना, पेरेंट्स जो है बहुत दान धर्म बहुत कर रहे हैं, या पूजा पाठ कुछ बहुत कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि है ना, घर में सिचुएशन नॉर्मल रहे, क्योंकि है ना, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बेसिकली परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा है ना, ये सब फाइट से, ये आर्ग्यूमेंट से. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कुछ चैरिटी वर्क भी कर रहे होंगे, या कुछ दान धर्म कर रहे हैं, या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब सिचुएशन मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका और उनका. आप बोलते हैं ना, आपने उनको मोहित कर लिया उनके बच्चे को, उनको ऐसे लग रहा है. तो इस चीज़ से उनको लगता नहीं है कि ये ना, अभी आपके पर्सन निकल पाएंगे, उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि निकलना बहुत मुश्किल है, ऐसे उनको लग रहा है. उनके पेरेंट्स को बेसिकली लग रहा है कि आपने क्या ना, उनके बच्चे को फंसाया, ऐसे बोल सकते हो. ऐसी कुछ एनर्जी उनको लगती है उनके पेरेंट्स को. डेफिनेटली ये वर्ड यूज़ करना थोड़ा रॉन्ग होगा, लेकिन इस तरह से उनके पेरेंट्स को डेफिनेटली लगता है आपके बारे में, ये फॉर श्योर है. देखो थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो बहुत हार्ट ब्रोकन है उनके पेरेंट्स अभी एट प्रेजेंट, बहुत अपसेट है मुझे ऐसे लग रहा है. घर की सिचुएशन ही बेसिकली ऐसी है, ऐसे बोल सकते हो. बहुत ज़्यादा अपसेटिंग एनर्जी है, मतलब हैप्पीनेस नहीं है. मतलब अगर एक सपोज़ वो लोग एक टर्म्स पे आ भी रहे, आपके पर्सन और उनके
पेरेंट्स फैमिली में डिसाइड कर लिया है कि अब बड़े तो बड़े बुजुर्ग सब दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोगों की सलाह करके एक डिसीजन पे आ भी रहे हैं आपको एक्सेप्टेंस करने के लिए या आपसे शादी करने के लिए, लेकिन एक है ना हार्ट ब्रोकननेस डेफिनेटली है घर में, मतलब एक हैप्पीनेस नहीं है, जो हैप्पीनेस आप सोचते हो ना कि आपको हैप्पीली एक्सेप्ट कर ले, हैप्पीली आपको आगे ले जाए, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थोड़ी, क्योंकि हैप्पीनेस कम दिखाई दे रही, क्योंकि इनके मैटर में मुझे ऐसा लग रहा है एक मनी मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, या फाइनेंशियल स्टेटस, या आपका जात पात का कुछ डिफरेंस है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो या डिवोर्स ही हो, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, तो ये चीज़ है ना सो उनके घर में बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, तो ये चीज़ उनको बहुत हार्ट ब्रोकन कर रही है उनके पेरेंट्स को, ऐसे बोल सकती हूँ। लेकिन घर में डिस्कशन डेफिनेटली बहुत चल रहा है आपके बारे में, ये कमिटमेंट के बारे में आपके साथ में एक डिसीजन लेने की कोशिश की जा रही है, डिसीजन ले रहे, लेकिन डिसीजन ले भी लेंगे तो मैं आपको बोल जल्दी से बताएंगे नहीं, लेकिन क्योंकि हार्ट ब्रोकननेस का कार्ड बहुत है, इसको थोड़ा हीलिंग का टाइम चाहिएगा बेसिकली, जब तक ये चीज़ हील नहीं होती है ना तो आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बहुत क्योंकि नहीं तो भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत ना मनमुटाव होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये थोड़ा क्या हीलिंग का टाइम देना चाहिए उनको, एक्सेप्टेंस का टाइम देना चाहिए बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये बैड है। देखो टू ये भी टू ऑफ बैलेंस का कार्ड है, फाइंड बैलेंस का कार्ड आ रहा है, तो इसमें ये बैलेंस करने की सिचुएशन कोशिश की जा रही है, ये सिचुएशन को डिसीजन लेने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, एक डिसीजन लेने की कोशिश की जा रही है, रेस्ट एंड रिकन्सिडर, मैं आपको यही बोल रही हूँ, थोड़ा ये इसको टाइम दीजिए, क्योंकि अवेटिंग रिजल्ट, आप डेफिनेटली रिजल्ट अवेट कर रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको अभी भी यही बोल रही हूँ कि थोड़ा रेस्ट एंड रिकन्सिडर आप भी कीजिए, उनके पेरेंट्स को भी करने दीजिए, ये जो हाँ ये ब्रोकन हार्टनेस की जो फीलिंग है ना, वो थोड़ा उनको थोड़ा हील होने दीजिए, कभी भी कोई क्या जख्म गहरा होता है, नई नई ताज़ा गर्म जख्म होती है तो उस पर कुछ भी छिड़केंगे तो भी बहुत वो होता है ना, जलन होती है, दर्द होती है, तो उनको तो जख्म को सूखने दो, ऐसे बोलते हील होने दो, तो वो हील होगा ना, उनको एक्सेप्टेंस का टाइम दो उनके पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स ही जब सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हाँ कि हमको यही पर्सन को लेके आना है अपने घर में, फिर क्या धीरे धीरे सब चीज़ ओके होने लग जाती है, नॉर्मल होने लग जाती है, फिर वो आपके साथ में अच्छे से बिहेव करना शुरू करेंगे, फिर ये रिलेशनशिप एक ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आएगा, एक ना इक्वल गिव एंड टेक पे आएगा, शेयरिंग पे आएगा, ऐसे बोल सकते हो। तो आपको थोड़ा टाइम तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि देना ही पड़ेगा उनके पेरेंट्स को, आपको और उनके आपके पर्सन को ये चीज़ को एक्सेप्टेंस करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या कोई बड़े लोगों को टाइम लगता है कोई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए या सिचुएशन समझने के लिए, या जो लोग समझा रहे हैं उनको वो कितने इन्फ्लुएंशियल है वो भी डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कुछ लोग किसी की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं कि हाँ ये पर्सन ने बोला तो राइट ही होगा, तो उसकी बहुत जल्दी ही मान लेते हैं, लेकिन किसी किसी की वो दूसरे समझा समझा के भी थक जाते तो भी नहीं समझते, ऐसी बात हो जाती है। तो कोर्ट हाउस का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि है ना कुछ हो सकता है कि कुछ लीगल मैटर भी हो आप लोगों के केस में, तो पता नहीं वो भी शायद सॉल्व हो, अगर सपोज़ आपकी कोर्ट मैरिज भी कुछ होने की चांसेस है तो वो भी हो सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले शायद आप लोग कोर्ट मैरिज करो फिर मैरिज करो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे आप दोनों के बीच में लगती है कि है ना कि आप लोग एक ना, इसमें थीव का कार्ड भी आ रहा है, तो हो सकता है कि चोरी छुपे ऐसे बोलते हैं ना, इंसान एक डिसीजन ले ले, आप लोग आपके पेरेंट्स से आप कि है ना हम शादी कर ले ताकि लोगों को पहले पता नहीं चले, ये मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन ये क्या गुड फॉर्चून है, ग्रेट फॉर्चून है आप लोग की, क्या शादी होगी या कुछ भी हो जैसे आप डिसाइड करते हो या एक कमिटमेंट में आगे बढ़ते हो, तो आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस डेफिनेटली मुझे आते हुए दिख रहा है, आप लोग एक चेंज डेफिनेटली दिखोगे देखोगे, उनके पेरेंट्स भी ये चेंज देखेंगे, मतलब जो उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ में धोखा हो गया या उनके साथ में गलत हो गया, उनके बच्चे ने ऐसे कर दिया, मतलब इसे आज कोर्ट मैरिज कर ली या ऐसा कुछ, हर एक के केस में एप्लीकेबल नहीं हो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, तो वो शायद उनको थोड़ा ऐसे धक्का लगे, लेकिन उनको बाद में ये चीज़ एक्सेप्टेंस आ जाएगी, क्योंकि जब लाइफ में अच्छा होने सब कुछ शुरू हो जाता है ना तो इंसान एक्सेप्टेंस मोड में ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो वो बात है। तो आप लोगों के पर्सन को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनके पेरेंट्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए, मैं ऐसे बोलूँगी आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।